कटियारी जिला मनिहारी अनुमंडल के कई इलाके पूरी तरीके से गंगा नदी की बाढ़ की जद में हैं। ऐसे में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। कल तक जहां लोग गुजर बसर करते थे और बच्चों की कोचिंग क्लास चलती थी, आज वो इलाका पूरी तरीके से गंगा की गोद में समा गया है। लेकिन ऐसे हालात में भी गांव में निःशुल्क कोचिंग चलाने वाले तीनों युवक कुंदन, पंकज और रविंद्र शिक्षक वाले अपनी भूमिका के साथ डटे हुए हैं। और मनिहारी मारालैंड बस्ती में गंगा में ही नाव पर पाठशाला बदस्तूर जारी है। शिक्षक की भूमिका में तीनों युवक कहते हैं कि वे लोग स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चे को पिछले कई वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। का जो परिक्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और हम लोग जो है अपने संसाधन के हिसाब से जुगाड़ ढूंढते हैं, इसलिए हमने जो है नाव पर पाठशाला बनाया है। क्योंकि हम लोगों का जो है साल के आधा मतलब महीने यानी कि 6 मास हम लोगों के यहाँ पे पानी रहता है और 6 मास सूखा रहता है। ऐसे में हम लोगों का सिर्फ नाव से पुराना नाता है, इसलिए हमने जो है नाव पर ही शिक्षा का प्रारंभ किया है। और हम लोग जो है जब तक यहाँ पर पानी रहेगी तब तक हम लोग जो है नाव पर ही पाठशाला चलाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग जो है नाव पर ही जो है पाठशाला चला। बच्चा को डर वगैरह नहीं लगता? अब जब बाढ़ में सरकार अन्य सुविधाएं मुहैया करवा ही रही है तो वो लोग अपने स्तर पर जो पाठशाला चलाते थे वो आप नाव में चलाकर शिक्षा की नाव जलाकर रखना चाहते हैं। सर, हम यहाँ का जो क्षेत्र है, मनिहारी जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है और यहाँ पे नाव जो है हर घर घर में, तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए, और इसलिए जो है ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। तो ये कब? वही शिक्षक कुंदन ने कहा कि अभी व्यवस्था सही नहीं होने के कारण नाव पर ही छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे तो हम लोग अभी मैट्रिक में है, तो हम लोग का सिलेबस लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण यहाँ से जो मतलब निकला हुआ जो पढ़ लिख कर हमारे बुजुर्ग मतलब जो बड़े भाई लोग हैं वही सब बोले कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसी कारण तुम लोग को हम चलो नाव पर ही पढ़ा देते हैं। अभी यहाँ बाढ़ की स्थिति काफी मतलब बनी हुई है, इसी कारण हम लोग नाव पर भी सिलेबस की कंप्लीट। डर नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता है, क्या कि हम लोग मतलब पानी से ही आन जान रहता है, तो डर इसी कारण हट गया। पढ़ के क्या करना है, क्षेत्र के लिए कुछ आगे करना है? ऐसे तो हमको पढ़ लिख कर इंडियन आर्मी बनना है। वही गांव में तैरते इस अनोखे पाठशाला में पढ़ने आए छात्र छात्रा कहते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है, ऐसे में नाव ही सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए उन लोगों को भी नाव वाले पाठशाला में पढ़ने पर कोई परेशानी नहीं।